ये शॉट तो आपकी अटेंशन गैदर करने के लिए था। हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं हुसैन इफ्तिखार और पार्ट अब यह है कि जानी टाइटल देख के आप लोगों का अंदाज़ा हो ही गया होगा कि ये व्लॉग किस बारे में और मैंने अपने ईद वाले व्लॉग में क्या कहा था। ज़रा आप वो सुनिए। ये पता था कि ईद के बाद आ जाएगी मेरी गाड़ी, लेकिन कल मुझे किसी ने कॉल की एंड सेड कि यार आपकी गाड़ी आ चुकी है, आएँ और पिकअप कर लें। और अल्हम्दुलिल्लाह कल मेरी गाड़ी आ गई है डैलस से, और जिस गाड़ी में मैं अभी बैठा हूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गाड़ी है। I bought my own SUV, alhamdulillah. हाँ यार, और मैंने सोची थी एक रिव्यू वीडियो अलग से अपने SUV पे जाने, लेकिन हाँ यार, तो रिव्यू करने से पहले और गाड़ी लेने के बाद कुछ चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना मेरा फर्ज बनता है। तो सबसे पहले, आप लोग बिना इंश्योरेंस के गाड़ी रोड पे नहीं चला सकते, और मैंने इंश्योरेंस कराई वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन यूनाइटेड स्टेट, नेम गीको। पहला स्टेप हमारा इंश्योरेंस का था, इंश्योरेंस तो करवा दी, और अगला स्टेप क्या है वो मैं यहाँ नहीं बल्कि जाके बताता हूँ। तो चलना है आप लोगों ने, आ जाओ यार। इंश्योरेंस कराने के बाद सबसे पहला काम गाड़ी की इंस्पेक्शन कराना है, क्योंकि बिना इंस्पेक्शन के आप टाइटल और रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। इंस्पेक्शन कराने के लिए हम लोग जेफी लूप मल्टी केयर पे आए। अपनी तरफ से तो अपनी शहजादी परफेक्ट थी, फिर भी गाड़ी का हर एक हिस्सा चेक किया गया। सो फाइनली इंस्पेक्शन कामयाब रही। अथॉरिटी लेटर देने के बाद हमें वहाँ से रुख्सत किया गया। वहाँ से निकले और अभी हम लोग अपनी अगली मंजिल की तरफ जा रहे हैं। हमारी अगली मंजिल थी सिटी बैंक। सिटी बैंक की ब्रांच TVD, टैक्सेस व्हीकल डिपार्टमेंट, कोरोना वायरस की वजह से क्लोज थी। तो अभी हम लोग मेन ब्रांच की तरफ जा रहे हैं। आपके इतला के लिए अर्ज करो कि TVD, टैक्सेस व्हीकल डिपार्टमेंट की मेन ब्रांच डाउनटाउन लबक में है। पहली दफा डाउनटाउन लबक की तरफ जा रहा हूं। अंदर शूट करने की परमिशन नहीं थी, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आसानी से सब कुछ हो गया। वैसे अभी मैं घर की तरफ जा रहा हूं। हाँ यार, ये मेरा सेकंड शॉट है इस गाड़ी में जाने, लेकिन अभी मुझे कहीं जाना है, और मैं कहाँ जा रहा हूँ आप लोग खुद ही देख लो। इस शॉट के लिए पहले से माजरत, क्योंकि एक हाथ से ड्राइव और दूसरे हाथ से कैमरा उठा के शूट करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है। अपनी शहजादी को दिखाने से पहले शावर देना ज़्यादा लाजमी है, इसलिए अभी मैं कार वॉश पे आया। कार वॉश से निकलो और चल दिया अपनी अगली मंजिल की जानेब। मंजिल पे जाने से पहले जानी गेड़ी रूट तो बनता है ना यार। गेड़ी रूट ख़त्म हुआ और पहुंच आया मैं अपनी मंजिल पे। जानी, जिस जगह मैंने आज डिसाइड की थी उस जगह मैं आ चुका हूँ। मेरे घर से 5 माइल के डिस्टेंस पे है जानी। अभी बाहर चलते हैं, गाड़ी के साथ मैट्रिक्स बनाते हैं और ये व्यू एंजॉय करते हैं यार। तो चलते हैं बाहर।
हाँ जी भैया, तो अभी मैं जानी ईल क्राउन पार्क पे आया हूँ। बाय द वे पार्क में न बंदा न बंदे के साथ, क्योंकि अभी टेम्परेचर हो रहा है 89 फ़ारेनहाइट, इंतहा की गर्मी है और मैं थोड़ा सा जल्दी आया जिसकी वजह से अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है। एक व्लॉगर के लिए इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। अभी अभी जानी तो अभी मैं यहाँ पे बैठ के चिल आउट करता हूँ, आप लोग ज़रा गाड़ी के शॉर्ट्स देखिए। आज है हमारे पास मर्करी मैरिनियर 2010 मॉडल स्पोर्ट्स यूटिलिटी 4-डोर SUV। सबसे पहले हम लोग अगर इंजन की बात करते हैं तो हमारे पास टॉर्क आता है 171 LB 4500 RPM। हॉर्स पावर तो 171 HP 6000 RPM है और टर्निंग सर्कल 36.7 FT। वॉल्वो 16 और बेस इंजन टाइप गैस है। ट्रांसमिशन पे नज़र डालें तो 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। गाड़ी के फ्रंट व्हील ड्राइव विथ 6 सिलेंडर है। तो इस गाड़ी में 4-wheel ABS विद रियर डोर चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी मौजूद है। के फ्यूल की बात करते हैं तो 21 इन सिटी और 28 इन हाईवे पे देती है। सबसे पहली चीज सेफ्टी आती है, और सेफ्टी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद है। फ्यूल टैंक 16.5 गैलन है। टोटल सीट कैपेसिटी 5 है, जो कि लॉन्ग ड्राइव पे आराम दे सफर कर सकते हैं। इसका मैक्सिमम पेलोड 1059 LBS है और इसकी लेंथ 1075 इंच है। अगर इसकी मेजरमेंट की बात करें तो फ्रंट ट्रैक 60.7 इंच, वेट 3341 LBS और इसका ग्रॉस वेट 4400 LBS है। अगर हम लोग कंफर्ट जोन की तरफ चलते हैं तो बाकी गाड़ियों की तरह एयर कंडीशनर भी इसका बेहतरीन है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो 8.4 इंच और इसकी हाइट 68.0 इंच है। गाड़ी की खास बात यह है कि इसमें क्रूज कंट्रोल मौजूद है, जो कि सिर्फ स्पोर्ट्स एडिशन और प्रीमियर एडिशन में आता है। अगर व्हील बेस पर नज़र डालें तो 103.1 इंच और इसकी विड्थ 71.1 इंच, ट्रैक 60.2 इंच है। हम लोग इसमें पावर की बात करते हैं तो वन टच पावर विंडोज के साथ साथ डिजिटल कीपैड पावर डोर लॉक्स भी मौजूद हैं। पावर मिरर के साथ साथ हीटर मिरर्स का भी एडवांटेज है। हाँ जी भैया, तो काफ़ी देर यहाँ पे मैंने टाइम स्पेंड किया, चिल आउट किया और शॉर्ट्स भी बनाए गाड़ी के और पार्क के भी। और हाँ, अभी मैं ज़रा जा रहा हूँ आगे दूसरे एंगल से शॉर्ट्स बनाते हैं। जाने देखो, सुबह इतना अच्छा मौसम था लेकिन अभी इतनी गर्मी हो रही है कि मेरे हालात टाइट होते जा रहे हैं। बिल्कुल धूप स्ट्रेट लग रही है और मुझसे आइज भी ओपन नहीं हो रही, मतलब फुल किस्म के हालात ख़राब हैं। हाँ, जानी आधे से ज़्यादा शूट हो गया और रात के जो शॉर्ट्स हैं वो मैंने रात को बनाने हैं ऑफकोर्स जानी, लेकिन अभी पेट पूजा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अभी आया हूँ सोनिक में। सोनिक आया हूँ, बर्गर ऑर्डर किया और मुझे पता है कि मैं हो गया हूँ मोटा, तो जिम भी स्टार्ट करते हैं यार, अभी बर्गर खाते हैं यार। तो पेश खिदमत है सोनिक का चीज़ बर्गर विद लार्ज कोक। सोनिक इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट जानी। हाँ यार, तो उस जगह से निकला, सोनिक आया पेट पूजा की और यहाँ आके गाड़ी का शूट किया,
पीछे खड़ी है गाड़ी। हाँ, गाड़ी का शूट तो मुकम्मल हो गया, लेकिन अब क्या करना है। मैंने अपने बहुत से व्लॉग्स में कहा है कि जानी जब भी मैं सैड होता हूँ या जब भी मेरा मूड ऑफ होता है तो मैं इस जगह आके बैठ जाता हूँ, इस पार्क आके बैठ जाता हूँ जो कि मेरे घर के बहुत करीब है, क्योंकि ये जगह पुरसकून है और यहाँ पर मुझे बैठ के ना शांति मिलती है, सुकून मिलता है। अभी मैं अपना कैमरा ऑफ कर रहा हूँ और चिल करता हूँ। हाँ जी भैया, तो मैंने काफ़ी टाइम यहाँ पे मैंने स्पेंड किया, चिल आउट किया और अभी जाने कुछ खास है नहीं तो वापस चलता हूँ घर की तरफ। हाँ, और आज का दिन मेरा बहुत ऑसम रहा, तो चलते हैं। हाँ यार, मैं घर तो वापस आ गया और पता था चलूँ गाड़ी के जो सारे काम थे वो सारे कंप्लीट हो गए, रिव्यू आप लोगों ने देख लिया और अब बारी आती है इसकी प्राइस की। जानी अगर मार्केट रेट की बात करते हैं इन रुपीस, तो मेरी गाड़ी की मार्केट रेट है 11 लाख रुपीस। जानी मुझे ये गाड़ी टैक्स टाइटल इंश्योरेंस मिला के 9 लाख रुपीस की पड़ी है, क्योंकि जानी अपने तो लिंक्स है ना यार। यहाँ तक तो होगी गाड़ी की बातें। सोचो ज़रा, एक 22 साल का लड़का अपने बलबूते पे विद इन 7 मंथ्स अपने लिए गाड़ी लेता है, मतलब एक और ड्रीम ट्रू हो गया। क्या कह रहे हो लड़के, तो चलता आपका भाई। मियाँ और लोग अभी मैं थोड़ा सा, एक्चुअली आज मैं थोड़ा सा जल्दी आया हूँ, मैं थोड़ा सा जल्दी आया जिसकी वजह से